हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल चलिए हम क्रूल जर्नल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं विंग के कारण अब शिचन और वांगजी के फेस पर भी स्माइल रहने लगी थी उसका चेयरफुल नेचर सभी को खुश कर देता था विंग और वांगजी का रिश्ता भी अब सुधरने लगा था वांगजी के मन में भी विंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर कॉर्नर डेवलप होने लगा था वो विंग के लिए अब फीलिंग्स रखने लगा था विंग तो वांगजी को उनके वेडिंग नाइट पर वांग वांगजी ने जब विंग की वेल हटाई थी तो विंग तभी से ही वांगजी को पसंद करने लगा था एक बार शिचैन के कहने पर वांगजी और विंग एल्डर कल्टीवेटर बाउच बाउचे सैन रन से मिलने जाने वाले थे शिचैन ने पाउचे सेंट्रन के बारे में बहुत सुना हुआ था वो सबसे एल्डर कल्टीवेटर और सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थी जो कि इमोटल है उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलता खुद बाउचे सेंड्रन ने शिचैन को एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने वांगजी और विंग को अपने पास बुलाया था अपनी पावर का कुछ हिस्सा ब्लेसिंग और आशीर्वाद के रूप में उन दोनों को देने के लिए बाउचे हर किसी को ब्लेसिंग नहीं दिया करती थी वे किन्हीं खास लोगों को जिन्हें वे खुद चुनती थी उन्हें ही अपनी ब्लेसिंग, अप अपनी पावर का कुछ अंश ब्लेसिंग के रूप में देती थी शीचर ने यह बात मनी मन में सोचा। अब शीचेन वांगजी और विंग के कमरे यानी जिंगसी में जा चुका था। उनसे बात करने के लिए। तुम्हारे और विंग के अलावा एल्डर बाउज़े सैनरन ने लैनी और मैडम यू को ब्लेसिंग दी थी, जो कि लैनी हमारी मदर है और मैडम यू विंग की मदर है। शीचेन ने वांगजी और विंग को बताया वांगजी और वींग बाउचर सैंडरन के पास जा चुके थे बाउचर सैंडरन से ब्लेसिंग पाने के लिए वींग और वांगजी को लगभग थ्री मंथ तक कल्टीवेशन करना पड़ेगा या कल्टीवेट करना पड़ेगा अपनी पावर्स को शुआ केव जहाँ बाउचर सैंडरन रहा करती थी उस केव का एक दिन ह्यूमन वर्ल्ड या ह्यूमन रिल्म के हाफ मंथ जितना लंबा होता था चिंचवा केव में वांगजी और विंग को कल्टीवेट करते हुए थ्री मंथ हो गया था पर इस टाइम में उनकी एज ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी थ्री मंथ कल्टीवेट करने के बाद उन दोनों को बाउचे सेंद्रन की पावर का कुछ पार्ट मिला जिनमें वांगजी को कई मैजिकल पावर्स मिली थी और साथ में एक मैजिकल वेपन बीचन जो कि एक स्पोट स्वॉर्ड के फॉर्म में थी और साथ में एक जो के फॉर्म में था, को को मिला। विंग भी कई पावर्स मिली जिनमें विंग को उसकी मैजिकल स्वॉर्ड चैंचिंग लिंग मिली थी और सॉरी उसकी फ्लूट लिंग और विंग की स्वॉर्ड यानी तलवार सोबियान मिली थी वांगजी और विंग अब इन और यंग एनर्जी को भी कल्टीवेट कर सकते थे अपने थ्री मंथ के कल्टीवेशन प्रैक्टिस के कारण बाउज़े सैंडरन ने दोनों को उनके वेपन्स मिलने का कारण भी बताया था उन दोनों को मिलकर वैन किंगडम को डिस्ट्रॉय करना है इसका सबसे बड़ा कारण है वैन्स ईविल पावर को कल्टीवेट करता है साथ ही कॉप्स और ईविल स्पिरिट्स का यूज़ करके और कई छोटे बड़े सेक्ट्स को परेशान करता है और वहाँ पर हमले करता है और लूट पाट भी मचाता है वांगजी और विंग लगभग तीन साल बाद लैन सेक्ट अपनी कल्टीवेशन को पूरी कर कर पहुँचे थे इन तीन सालों में वैन सेक्ट बहुत पावरफुल बन चुका था सभी सेक्ट वैन से लड़ने की तैयारी कर रहे थे वांगजी को भी अब विंग से प्यार हो गया था वांग जी और विंग अब पहले से ज्यादा एक दूसरे सॉरी वांगजी और विंग पहले से भी ज्यादा अब दोनों का रिलेशन बेटर हो गया था वांगजी ने विंग को अपने लव का कन्फेशन कर कर दिया था अक्सर वांगजी और विंग नाइट में अपनी डेली नाइट एक्टिविटीज क्या करते थे थ्री मंथ बीत गए थे सारे सेक्स वेंस एक्ट से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे वार स्टार्ट हो जाती है विंग और वांगजी भी वार में जा चुके थे वार शुरू हुए टू मंथ बीत गए थे सारे सेक्ट के कल्टीवेटर धीरे धीरे मारे जा चुके थे बस वार में विंग और वांगजी के साथ साथ कुछ थोड़े बहुत कल्टीवेटर्स बचे थे दूसरी तरफ और वैंस की इविल स्पिरिट्स और कॉप्स की सेना बढ़ती ही जा रही थी वांगजी और विंग भी अब थक चुके थे वो अब लड़ नहीं पा रहे थे उन कॉप्स में कुछ कॉप्स लैन महल की ओर जा चुकी थी जब वांगजी और विंग और बाकी के कल्टीवेटर्स वैन सेना से लड़ने में बिजी थे वांगजी और विंग और बचे कुछ कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जी जान लगाकर दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं वे अब अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर फैंस की आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगे थे वांगजी अपने गुचिन और विंग अपनी चेंचिंग लिंग का यूज करके उन कॉप्स को मारने लगे थे लगभग अड़तालीस घंटों तक लगातार ग्यूचैन और चैंचिंग के म्यूजिक के कारण सारी कॉप्स अब मारी जा चुकी थी उस वैन सेना का लीडर वैन रूहान भी अब मारा जा चुका था और इन आयरन सील जो कि इन कॉप्स की सेना को कल्टीवेट किया करती थी और इनको बनाया करती थी उसे भी वांगजी और वींग ने अब ख़त्म कर दिया था वींग और वांगजी वार जीत चुके थे वार खत्म होने के बाद जब वांगजी और विंग लैन पैलेस में पहुंचे तो लैन पैलेस पूरा जल चुका था शिचन बाहर कुछ वेंस और वैन वेंस सिबलिंग यानी वेंचिंग और वनिंग के साथ बाहर था लैन पैलेस को जब कॉप्स डिस्ट्रॉय करने आए थे तो इन्हीं वैन पीपुल्स और वैन सिबलिंग ने शिचन की मदद की थी शि चैन पैलेस को दोबारा से रिबिल्ट लैन पैलेस को दोबारा से रिबिल्ट होने में बहुत टाइम लगा तब तक लैन ची वांगजी और वैन सिब्लिंग्स और बचे वैंस के साथ ईलिंग में रहने लगे थे और वैंस वैंस के कारण कई छोटे बड़े सेक्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे जिन्हें दोबारा से रिबिल्ट किया जा रहा था उनके सेक्ट लीडर्स और उनके सिटीजन्स के कारण वेंसिबलिंग और वेंस जो बचे हुए वैंस थे वो वैन रूहान का किंगडम छोड़ दिया था वे दस साल से इलिंग में ही रह रहे थे उन्हें वैन रूहान के ईविल ईविल काम में उसका सपोर्ट नहीं करना था इसलिए वह ईलिंग आ गए थे वैन सेक्ट वैन सेक्ट को पूरा छोड़ के वे दस साल से भी ज़्यादा ईलिंग दस साल से भी ज़्यादा वे लोग ईलिंग में रह चुके थे श्री चैन वांगजी और विंग को ईलिंग में वन मंथ से ज्यादा हो गया था तीनों की बॉन्डिंग वेंस के साथ गहरी हो गई थी कुछ दिनों से विंग की हेल्थ ठीक ठाक नहीं रह रही थी उसे बार बार डिजी फील होता था और वॉमिटिंग फील होती रहती थी वेंचिंग उसकी जांच करती है वेंचिंग एक कुशल वैद्य थी जो कई सारे मेडिसिंस और हर्ब्स के बारे में जानकारी रखा करती थी वेंचिंग की जांच करने के बाद विंग की जांच करने के बाद वेंचिंग सबको बताती है कि विंग प्रेग्नेंट है सभी को बहुत खुशी होती है वांगजी को विंग वांगजी को वांगजी ने विंग को खुशी से गले लगा दिया था वो विंग के पूरे फेस पर किसेस कर रहा था और उससे बार बार अपना लव अगेन कन्फेस कर रहा था। विंग को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था उसके फेस पर भी एक स्माइल थी। शिचन भी पांगजी और विंग को बधाई देता है अपनी प्रेगनेंसी के समय में विंग की बॉन्डिंग वैनचिंग के साथ और अच्छी हो गई थी वैनचिंग उसे अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करती थी और उसकी प्रेगनेंसी का फुल ख्याल रखा करती थी दूसरी तरफ वैन सेक्स से लड़ते लड़ते समय जो जो सेक्स वैंस ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे वे सारे सेक्स अपने सेक्ट को दोबारा से रिबिल्ड कर रहे थे जब मैडम यू और जियांग फैम्यान को विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज मिली तो वे भी तुरंत ईलिंग आ गए थे मैडम यू वैंचिंग के साथ मिलकर विंग का ख्याल रखा करती थी विंग की प्रेगनेंसी को नाइन्थ मंथ भी हो गए थे विंग एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है जिसका नाम युवान रखा गया और कर्टिसी नेम ने कर्टिसी नेम लेंस शिजोई लेंस एक्ट भी दोबारा से रिबिल्ट हो गया था वांगजी विंग और शिचैन अपने साथ वैन सिबलिंग्स और बचे वैंस को लेकर लेंस एक्ट वापस आ गया था लेंस एक्ट आकर शिचैन ने भी वैनचिंग से अपना लव कन्फेस्ट